अरे आप पकड़ेगी पुलिस, उन्होंने देख लिया मेरे को एक्टिंग करते हुए। जी सर। हाँ जी सर, हम तो गुड़गांव के सर। तो भाई ये ना जा रहे हैं इस टाइम के, और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीपी। मेरा बड़ा मन था कि मैं नाइट में एकदम सीपी जाऊँ, मैं पहले भी जाता था आज से 4 साल पहले, और अब नाइट में सीपी जा रहा हूँ समथिंग 4 साल बाद। ऐसे तो मतलब जाता रहता हूँ, बट ये वाले टाइम पे 2-2.5 बजे के बाद मैं जो सीपी में जा रहा हूँ, ये वाला जो टाइम है ना, ये बड़ा स्पेशल सा है भाई। तो अब देखते हैं कैसा रहता वहाँ का माहौल। पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा कितना मज़ेदार रहा मेरा, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में अपन जाने वाले हैं सीपी, और भी एक दो जगह जाएंगे, लेट्स सी कहाँ जा सकते हैं। टाइम हो गया है 2:45, और हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं सीपी कन्नाट प्लेस, और मस्त वहाँ पे जाके रिंग रोड दिखाता हूँ मैं आपको कितना मज़ेदार है वहाँ का। और टाइम लगेगा तो मैं वहाँ भी एक दो वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा। और ये जो दिल्ली का इस टाइम जिस प्लेस पे हम हैं, यानी कि हम चांदनी चौक से निकले थे और अभी हम लोग कन्नाट प्लेस जा रहे हैं, उसके बीच का जो एरिया है ना, ये दिल्ली के जो मेन दिल्ली है उससे बिल्कुल अलग है, एकदम अलग वाइब आती हैं, अलग सारी चीज़ें हैं। और चांदनी चौक वाला एरिया भाई इतना डरावना, इतना डेंजर, इतना ख़तरनाक था, लिटरली मैं तो डर भी रहा था। पार्ट 1 वाला व्लॉग आपने देखा होगा तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और अभी जहाँ हम जा रहे हैं कन्नाट प्लेस, वो वाला दिल्ली देखना, ये वाला दिल्ली तो आप देख लो कैसा सा है ना, सारे में देख लो आराम से। अब जहाँ कन्नाट प्लेस में हम पहुँचेंगे वो वाला देखना, वो तो भाई इतना प्यारा है ना, मन करता बस वहीं बस जाओ। तो ये डिफरेंस है भाई दिल्ली में, ये देखो रात को यहाँ दिल्ली में चोरियाँ नहीं होती क्या, सारी बाहर ही खड़ी हैं क्या, दिल्ली इतना सेफ है क्या, देखना सबकी यहीं खड़ी है, 3 बज गए। और ये वाला एरिया देख लो कैसा डेंजर सा, एकदम ख़तरनाक सा। और जब हम सीपी पहुंच जाएंगे वो तो ओए होए 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 होए, उसकी रोड असिस्टेंसी इतनी प्यारी है भाई क्या बताऊँ, नेचुरल वाइब्स आती हैं एकदम, नेचर से घिरी हुई एकदम बढ़िया, और सारी चीज़ें वहाँ का तो भाई अलग ही सीन है। वहाँ तो पैदल भी घूमने में आपको मज़ा आएगा पूरा, पैदल भी, अगर आप पैदल भी घूमोगे ना उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। वो आगे पुलिस का ना, अरे आप पकड़ेगी पुलिस, उन्होंने देख लिया मेरे को एक्टिंग करते हुए, रोक रहे हैं क्या। ओके मुझे लगा पुलिस पकड़ेगी मेरे को एक्टिंग करते हुए, देख लिया होगा शायद। अबे यार डरा क्यों रहे हो, ये कैसे लोग हैं भाई, यहाँ तो रुक भी ना रहे। तो भाई इधर उधर भटक भुटक के फाइनली वी रीच्ड एट सीपी रिंग रोड, और अब एक मस्त सा ना रिंग रोड का चक्कर लगवाता हूँ पहले तो मैं आपको। वैसे तो मैंने रेड लाइट क्रॉस कर ली, एक तो दिल्ली में कितनी रेड लाइटें क्रॉस हो जा रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, रेड लाइटें इतनी ज़्यादा है, कहाँ कहाँ देखो रेड लाइट, देखो आगे, देखो साइड में, देखो पीछे, देखो क्या करूँ। तो ये हम लोगों ने सर्कल ले लिया, रिंग रोड ले लिया सीपी का पूरा, एक चक्कर लगवाता हूँ एक मस्त सा, और उसके बाद फिर कुछ बढ़िया करते हैं, क्या कर सकते हैं। और भाई यहाँ नाइट में क्या ओपन हो सकता है, कुछ भी नहीं। चलो एक बढ़िया देखो रेड ग्रीन लाइट और रखे ना, मस्त इस पर खींचते हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कितना सुकून है, ऐसे ठंडी ठंडी आवाज़ आ रही है ना बॉडी में से, तो ऐसे झुरझुरी से छूट रही है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं नाइट राइड पे आ रखा हूँ 24/7। ये देखो पुलिस का नाका, अब तो नाके पे नाके, नाके पे नाके, अरे भाई साहब तकड़ा, तू तो गया बेटे। जी सर। हाँ जी सर, हम तो गुड़गांव के सर। बेटा आराम से चला गया जी। हाँ जी सर, थोड़ा सा वो गाड़ी साइड दाब दे, मेरे को पता नहीं था कि वो रोक देगा। नहीं बिल्कुल मेरे को ध्यान था, बट जी इधर को दाब दे। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल लग रहा है जी, ध्यान कहीं और है, मेरे को ये नहीं था कि वो रोकेंगे, सावधानी रखनी चाहिए। जी सर बिल्कुल जी बिल्कुल सर। अनमोल शर्मा सर, अनमोल अनमोल वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू सर। हाँ जी सर, अच्छा यूट्यूबर हो तुम तो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जी सर आप अब लद्दाख अब अप्रैल में जाएंगे सर, आप वैसे ऋषिकेश कर लिया, वृंदावन कर लिया, देहरादून कर लिया, चंडीगढ़ कर लिया, करनाल कर लिया, ये दिल्ली कर रहे हैं आज पहली बार।
जी सर जी, कह रहे थे गुड़गांव के सर जी, सर जी ओके थैंक यू सर, ओके सर जी टाटा। तो भाई चलिए बोलिए, क्या सॉफ्ट हार्ट पुलिस थी भाई। क्या सॉफ्ट हार्ट, मैंने एकदम खड़े पैर ब्रेक मारे ना, जब भी मेरे को लपेटे में ले लिया, कह रहा आ जा भाई साइड आ जा। बड़ी देर से सोच रहा था पुलिस वाले पकड़ के मेरे, इतने नाके क्रॉस कर दिए मैंने। तो अब कह ही दिया, कह रहे आ जा भाई लपेटे में, आ जा तो साइड में। एक कैजुअल सी वो तो सबको रात को यही करते हैं, रात को खैर परेशान, ये भी नहीं पूछा भाई कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कुछ भी नहीं पूछा, बस ये पूछा कि कहाँ चले। तो मैंने बताया मैं तो गुड़गांव से हूँ, घूमने आया हूँ। फिर बहुत देर में उन्होंने कैमरा नोटिस किया। तो भाई मस्त एकदम मज़ेदार सीन था। अभी तो ये देखो कितनी रेड लाइट रोके यार, कितनी रेड लाइट्स पर रोके बताओ। क्या रिंग रोड है अभी, अगर रिंग रोड में घूम के उसी साइड आए ना, वो फिर मिल जाएंगे, बोलेंगे यार अनमोल तू। वाह भाई वाह, बहुत मस्त था भाई। तो क्यों ना कुछ वीडियो फोटो यहाँ शूट कर ली जाए, अंदर तो जाने नहीं देंगे, यहाँ रोकी तो रोकने नहीं देंगे क्या। मैं तो रिंग रोड देख रहा, अब वापस से रिंग रोड पे वहीं पे गए ना, तो यार वो फिर पकड़ लेंगे, कहेंगे यार क्यों घूम रहे हो ऐसे बार बार। तो क्या किया जाएगा इस बताओ, अगर उन्होंने पहले इस बार रोका नहीं होता ना, मैं तो चला जाता, बट अब एक बार रोक के पूछ ही लिया ना, तो कहेंगे फिर कहाँ घूम रहे हो बार बार। क्या किया जाए, ओहो ऐसी ही, ऐसे तो फिर हम वहीं पहुंच जाएंगे उन्हीं के पास ही। रिंग रोड का चक्कर काट रहा था, अगर इधर लिया तो इधर तो काम नहीं बनेगा, इधर भी बंद कर रखा है, यहाँ कोई लेफ्ट का कट होएगा ना वहाँ ले लेंगे, जैसे ये वाला है। अरे भाई साहब क्या चांदनी चांदनी करा रखी है पूरी फुल। ओ भाई साहब कहीं अलग ही आ गए हम तो, हैं फुल सिक्योरिटी वाले कुत्ते बैठे हैं यहाँ तो। ये बंद तो नहीं है मेरे ख्याल, घूम घाम के वहीं ना ले जाएं, पुलिस वालों के आगे ही खोल दे ले भाई आज वह। चल रास्ता है इधर, अरे वाह अच्छा दाल ललित, ये तो बहुत फाइव स्टार होटल है ये, हैं हाँ, और फाइव स्टार होटल है, प्रॉपर फाइव स्टार, नील बटे सन्नाटा, एकदम सन्नाटा सपाट। वो ऐसे ड्रामे कर रहे थे पीछे से भी, पुलिस वालों ने गुद्दी झपली थी, आ जा बेटे यूं लिया लपेटे में। वाह यही तो चाहिए और क्या चाहिए, बस नेचर हो आसपास में, पर नेचर में ना थोड़ी फटती हुई है भाई। फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया था ना, अरे यार फिर सीपी आ गए हम तो, जहाँ जहाँ से बच बच के जा रहे थे ना वहीं वहीं आ गए यार हम लोग। फिर से सीपी के रिंग रोड पे ही आ गए, यहाँ से लेफ्ट लेना है क्या, सीधा चलना है। तो भाई ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, बहुत तगड़ा, मतलब बहुत 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 तगड़े वाला, लेकिन मंगलवार को खुलता है ये बहुत लेट तक, बट आज तो बुधवार लग गया, सो दैट कि अब ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, वरना मंगलवार यानी कि कल रात वाली मार्केट में पूरी खुली हुई होगी, सिर्फ एक ही दिन खुलता है, रात तक पूरी। अब यहाँ आए थे चाय पीने के लिए, इन्होंने भी चाय वाय बंद कर दी है, और 3:30 के आसपास बज रहे हैं, बस थोड़ा बहुत और एक दो जगह मस्त घूम घाम के और फिर निकलेंगे गुड़गांव की तरफ ही हम लोग भी। भाई दिल्ली तो दिल्ली हो गया, इतने नाके फुल पुलिसबाजी चल रही है यहाँ तो। चलो भाई इनको भी देते हैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपना बढ़िया सा। इन्होंने तो इंट्रोडक्शन मांगा ही नहीं भाई, क्या करें। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर भाई साहब, ये है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, वो खतरनाक एकदम मज़ेदार,
इलेक्शन कमीशन ऑफिस भाई साहब, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तो बड़ा ज़बरदस्त था भाई। देख रहे हो गोल चक्कर, देख रहे हो यहाँ कितनी कन्फ्यूजन है। मुझे 10 साल हो गए दिल्ली, लेकिन आज तक रास्ते याद नहीं हुए, गोल चक्कर इतने ज़्यादा हैं। फिर गोल चक्कर इतने गोल चक्कर, इन गोल चक्कर पे तो पैदल भागने का होना चाहिए। पहला एग्जिट, दूसरा एग्जिट, तीसरा एग्जिट, कितने एग्जिट मारेगा रे आदमी भाई। ये वाला जनपद की तरफ जाने वाला रास्ता भाई साहब, ये वाली दिल्ली देख लो, जो दिल्ली अपन पीछे की बात कर रहे थे और ये वाली दिल्ली की बात कर रहे थे, इस दिल्ली में देखो कितनी वो चीज़ें हैं भाई, बढ़िया एकदम अपडेटेड है, अपग्रेडेड है। और वो दिल्ली इतना पिछड़ा हुआ लगता ना भाई, जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये है नाइट वाइब पूरी, सुकून है। 5वां एग्जिट बाप रे भाई साहब, पहला, दूसरा कॉर्नर ही मार दूंगा, तीसरा भाई साहब गोल चक्कर के बगल से, चौथा, पांचवा एग्जिट, ओ भाई साहब 5वां, ओहो भाई साहब, और छठा भाई साहब, इतने एक गोल चक्कर इतना बड़ा। ट्विंग 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 ट्विंग, ए क्या सब भाई, देखो ये बिल्डिंग क्या क्या मस्त लग रही है ना, देखो ओ भाई सामने देखो, पूरा सुनसान एकदम सन्नाटा सा रखा है। इस रास्ते को देख के ऐसा फील आ रहा है कि भाई हम बिल्कुल कहीं बाहर की तरफ हैं, मतलब दिल्ली तो पर्सनली लग भी नहीं रहा, और ऐसा लग रहा है ये जो नेचर है, ये जो नज़ारा है, ये जो मज़ा है, ये कहीं बाहर का हम ले रहे हैं। बहुत प्यारी वाइब्स आ रही हैं, बहुत एकदम सुंदर सी प्यारी सी, इट्स गुड वाइब्स ओनली भाई। एक तो ये पुलिस के नाक के नहीं ख़त्म हो रहे भाई, पूरी दिल्ली चारों तरफ से घेर रखी है, फिर भी पता नहीं लोग क्राइम करके भाग कैसे जाते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। ये साइकिल वाला कैसे चला रहा नशे में होके। सिटी ऑफ जॉय, सो वी एंटर इन गुरुग्राम फाइनली। बहुत मजे आए, और सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और सुबह के 4:30 बजे का हाल देखो जरा गुड़गांव में। थोड़ी ही देर में मेट्रो स्टार्ट होने वाली है, वो हो थोड़ी थोड़ी कॉर्नरिंग कर देता हूँ मैं भी अब। और जो ये नाइट राइड का एक्सपीरियंस रहा है ना भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा भयंकर होने वाला है। और ये मार्च मंथ का फर्स्ट नाइट राइड था, और सेकंड नाइट राइड 20 से 25 के बीच में होली के आसपास मारेंगे, होली के बाद भी मार सकते हैं, होली के बाद मारेंगे। अब तो आराम से वृंदावन वगैरह घूम के आएंगे ना, तो उसके बाद मारेंगे। गुड़गांव भी कम नहीं है भाई अपनी नाइट राइड के लिए, मतलब नॉर्मली अगर तुमको टाइम स्पेंड करना है ना, तो गुड़गांव इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन। और गुड़गांव भी आ गए अब हम लोग, तो बाकी बातें घर जाके थोड़ी बहुत करते हैं। सारा तुम लोग आपने देख ही लिया, अब जो थोड़ी बहुत बातें हैं मैं आपसे घर जाके करता हूँ। पहले अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करके आता हूँ मैं, फिर बात करते हैं थोड़ी बहुत।